हेलो इन्वेस्टर्स, वी वेलकम यू ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन बिकम बेटर इन्वेस्टर फैमिली। तो फ्रेंड्स, आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या बात की थी। तो फ्रेंड्स, हमारी प्रीवियस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने उसमें बात की थी कि आप 500 रुपये से करोड़पति कैसे बन सकते हो। एंड फ्रेंड्स, जिस वीडियो के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हमने उस वीडियो को भी वहाँ पर डिटेल में बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ये सारी वीडियो आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको अप्लाई कर सकते हो आप अपने इन्वेस्टिंग में। तो फ्रेंड्स, पहला आप सभी जानते हो कि हम इसमें बात करने वाले हैं कि गैस स्टेशन वर्कर यानी कि रोनाल्डी ने क्या रीज़न था फ्रेंड्स कि उन्होंने 56 करोड़ रुपये वो वहाँ से कमा पाए, यानी कि पिछले वीडियो हमने बात की थी कि उन्होंने कैसे कमाए। एंड फ्रेंड्स, सेकंड हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे एक और रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो है हार्वर्ड ग्रेजुएट एक पर्सन था जो कि लाइफ में फेल हो गए इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, लेकिन रोनाल्डो सक्सेसफुल हो गए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थर्ड जो हमारा पॉइंट रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बात करने वाले हैं कि लर्निंग जो हमको दोनों स्टोरीज से मिलती है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या क्या लर्निंग आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो दैट सिंस वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट क्वालिटी, हो सकता है कि हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट वी आर मेक श्योर दैट इट्स वर्थ वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत पिछले वीडियो के बारे में बात करने वाले, ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ आए, एंड जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले एक पर्सन के बारे में जिनकी इमेज आप देख सकते हो फ्रेंड्स, उनका नाम था रोनाल्ड, जो कि गैस स्टेशन वर्कर थे, एंड उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने गैस स्टेशन पे काम करते करते बिता दी। एंड फ्रेंड्स, हमको बता दें कि वो अपने फैमिली में पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था उनकी फैमिली से, एंड वो थोड़े बहुत रूरल इलाके में रहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। एंड फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 बेडरूम में बिता दी, एंड वो JCPenney जहाँ का अमेरिका की रिटेल स्टोर है वहाँ पर वो फ्लोर भी साफ किया करते थे, एंड साथ साथ वो गैस स्टेशन पर वर्क भी किया करते थे। एंड फ्रेंड्स, अप्रॉक्सिमेट 92 केज में रोनाल्ड की डेथ हो गई, जो कि गैस स्टेशन पे वर्क करते करते उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोग उनकी डेथ पे हैरान यानी कि एस्टोनिश नहीं हुए, क्योंकि उनके अप्रॉक्सिमेट 92 हो चुकी थी। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या होती है, क्योंकि कुछ दिन बाद वहाँ के न्यूज़ लेटर में यानी कि न्यूज़ पेपर से रोनाल्ड के बारे में स्टोरी छपती है, जिसके बाद उनके जानने वाले या फिर पूरा अमेरिका उनकी स्टोरी पढ़कर हैरान था, और पूरी तरह से जो उनको जानते थे वो एक तरह से कहते हैं सदमे में थे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था जिसके वजह से हर कोई उसके उनके बारे में जानना चाहता था। तो फ्रेंड्स, रोनाल्ड की जब डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्सिमेट $8 मिलियन की थी, यानी कि अप्रॉक्सिमेट 56 करोड़ रुपए उनके पास थे। एंड फ्रेंड्स, वो $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़ के गए थे, एंड $6 मिलियन फ्रेंड्स उन्होंने लाइब्रेरी और हॉस्पिटल्स के लिए दान में दे दिया था। एंड फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि लोग वहाँ के क्यों हैरान थे, क्योंकि वो गरीब आदमी थे और वो गैस स्टेशन पे काम किया करते थे, वो फ्लोर तक साफ किया करते थे, जैसे हमने आपको बताया, जो कि अमेरिका की रिटेल स्टोर है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा पॉइंट क्या आता है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा पैसा कैसे कमाया। तो फ्रेंड्स, रोनाल्ड क्या करते थे, जब वो अगर माना जाता है कि अगर वो $50 कमाते थे तो उसमें से $40 तक वो सेव कर लेते थे। एंड फ्रेंड्स, वो उसको डायरेक्ट ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रोनाल्ड जो पैसा कमाते थे वो उसको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे रेगुलरली। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि वहाँ के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं अमेरिका के, वो प्रॉक्टर एंड गैंबल, जनरल इलेक्ट्रिक या फिर जॉनसन जॉनसन, ऐसा कहा जाता है कि अप्रॉक्सिमेट 95 स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। एंड फ्रेंड्स, जो भी डिविडेंड भी अगर पाते थे स्टॉक से तो वो भी उसको रीइन्वेस्ट करा करते थे। तो फ्रेंड, जिसकी वजह से उनकी मनी कंपाउंड होती गई। एंड फ्रेंड, इसके बाद जो अप्रॉक्सिमेट टोटल वेल्थ उन्होंने जनरेट कर ली थी अप्रॉक्सिमेट 92 की एज में, वो थी लगभग 56 करोड़ रुपये, यानी कि $8 मिलियन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो क्या है कि जेंडर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, आखिर उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है कि उन्होंने वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी फॉलो की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ ऐसे बिजनेस में फ्रेंड्स इन्वेस्ट किया जो कि सिंपल थे, अंडरस्टैंडेबल थे, जिनको वो अपने आसपास लगातार देख पा रहे थे। एंड फ्रेंड्स, सेकेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है, उनकी जो सेकंड फिलोसफी थी वही थी कि उन्होंने डेकेड्स के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि वो वॉरेन बफेट के बारे में अच्छे से जान चुके थे। एंड फ्रेंड्स, उन्होंने कंपाउंडिंग को वर्क होने दिया, जिसकी वजह से उनकी जो वेल्थ थी वो अप्रॉक्सिमेट 56 करोड़ रुपीज़ या फिर $8 मिलियन हो चुकी थी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल क्या आता है कि जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स लैक करते हैं फ्रेंड्स, वो क्या था कि किसी स्टॉक को 10 साल 15 साल होल्ड करने के लिए जो विल पावर चाहिए होती वो रोनाल्ड के डेट के अंदर थी। एंड फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंडिंग में आप सभी जानते हो कि यही आता है कि आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हो, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं।
एंड फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग के बारे में, जो क्या है वैल्यू लेसन जो हमको सीखने के मिलते हैं रोनाल्ड लीड से, जो कि हमको मस्ट अप्लाई करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो फ्रेंड्स हमको जो पहला लेसन यहाँ पे मिलता है वो क्या है, द यूज टाइम टू योर एडवांटेज। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जो रोनाल्ड लीड ने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से किया वो क्या है कि उन्होंने सिर्फ वैसी ही कंपनी चुनी जिनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, यानी कि जिसको जज कर सकती थी कंपनी अच्छा कर रही है। फ्रेंड्स उन्होंने उस कंपनी को चूज़ किया जो उनको लगता था उनके लाइफ टाइम के बाद भी चलेंगी। एंड फ्रेंड्स जैसा आप जानते हो रोनाल्ड लीड की डेथ हो चुकी है, फिर भी जनरल इलेक्ट्रिक, प्रॉक्टर गैम्बल, जॉनसन जॉनसन कंपनीज आज भी चल रही हैं। और यही रीज़न था फ्रेंड्स कि उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, जिससे उनको हेल्प मिली फ्रेंड्स अपने कंपाउंडिंग को आगे बढ़ाने में। एंड फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि री इन्वेस्ट योर डिविडेंड्स। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने डिविडेंड्स को अपनी अर्निंग समझ लेते हैं, रोनाल्ड लीड ने सेम उसका उल्टा किया, उन्हें उसको इन्वेस्ट किया। एंड फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा फ्रूगल आदमी, यानी कि वो अगर कहा जाता है कि अपने कोर्ट में भी सेफ्टी में लगा के रखते थे। एंड फ्रेंड्स वो इसीलिए फोकस रह पाते थे अपने स्टॉक्स के बारे में, और जो भी उनको पैसा मिलता था वो उसको इन्वेस्ट कर देते थे। एंड फ्रेंड्स उन्होंने अपना ईगो बहुत नीचे रखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर पाते थे। एंड फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट के बारे में, वो क्या है कि डोंट स्पेकुलेट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि जिन स्टॉक्स को बार बार अपने सामने देख पा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने सिर्फ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में इन्वेस्ट करते थे। एंड फ्रेंड्स वो कभी भी स्टॉक्स पे स्पेकुलेट नहीं करते थे, यानी कि वो कभी भी न्यूज़ के ऊपर नहीं जाते थे, वो हमेशा अपने खुद से इन्वेस्ट करते थे। एंड जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स या फिर जो भी उनको समझ में आता था, और वो हमेशा हॉट स्टॉक से अवेयर रहते थे जो कि न्यूज़ या फिर पेपर में छपते थे। एंड फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दैट बी पेशेंट विद योर इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि कंपाउंडिंग टाइम लेती है। एंड फ्रेंड्स कंपाउंडिंग आप समझ सकते हो लाइक अ वॉचिंग अ पेंट ड्राई और वॉचिंग अ ग्रास ग्रो। फ्रेंड्स अगर आप देखते हो अगर पेंट को सूखते हुए, तो आप समझ सकते हो उसमें कितना पेशेंस लगता है, या फिर अगर आप ग्रास को ग्रो होते हुए देखते हो तो आप समझ सकते हो कि उसमें कितना पेशेंस लगता है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रोनाल्ड लीड की सक्सेस में यही आती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आदमी थे, और अपने कंपाउंड को ग्रो होने के लिए उन्होंने अच्छा टाइम दिया। एंड फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, दैट बी अ लर्निंग मशीन। तो फ्रेंड्स जैसा कि चार्ली मंगर या फिर वॉरेन बफेट कहते हैं, दैट दोज हू कीप लर्निंग इन लाइफ विल कीप राइजिंग इन लाइफ। फ्रेंड्स अगर आपको सक्सेसफुल बनना है इन्वेस्टिंग में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आखिर बुक पढ़ने से क्या होता है, तो आप एडवांटेज डेवलप करते हो, जैसे कि आप बाकी इन्वेस्टर से आप आगे निकल सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि रोनाल्ड लीड क्या करते थे, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते थे, जहाँ से उनको पता चला था कि इन्वेस्ट करने से क्या होता है, और यही रीज़न था कि वो आगे जाके रिच बन पाए। एंड फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा सेकंड सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, दैट यू कांट विन ऑल द गेम। तो फ्रेंड्स रोनाल्ड लीड ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया था, जिसकी वजह से उनके जो कुछ कंपनीज थे या फिर कुछ जो बिजनेस थे जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि आप हर गेम नहीं जीत सकते, उनके जो कुछ कंपनीज थे बैंकक्रप्ट हो गए, फिर भी उनका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न था वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनकी वेल्थ क्रिएट हुई। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या कि आप सारी कंपनीज आप बेट नहीं कर सकते और विश करो कि वो सब सक्सेसफुल हो जाएँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी रिचर्ड फुस्कोन के बारे में, जो कि एक हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। तो फ्रेंड्स उनके पास सब कुछ था जो कि रोनाल्ड लीड के पास नहीं था। रिचर्ड फुस्कोन एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, वो मैरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव थे, उनके पास MBA भी था। एंड फ्रेंड्स बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स उनको प्रेज भी किया गया था उनकी बिजनेस स्किल, उनकी इंटीग्रिटी को लेके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी नॉलेज थी, इतनी सारी स्किल्स थी, फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू उनकी एजुकेशन उनके पास रोनाल्ड लीड से कई गुना ज़्यादा पैसा होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या हुआ। एंड फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि रिचर्ड फुस्को ने बहुत ज़्यादा मनी बोरो कर ली। एंड फ्रेंड्स उन्होंने बोरो की थी पैसा क्योंकि उनको एक घर बनवाना था, यानी कि घर क्या मेंशन बनवाना था। एंड फ्रेंड्स वो 18,000 स्क्वायर फीट का होम था, जो कि ग्रीनविच में उन्होंने बनवाया था। एंड फ्रेंड्स उसकी खासियत थी कि उसमें 2-3 एलिवेटर थे, 2 पूल थे फ्रेंड्स, 7 गैराज थे, एंड अप्रॉक्सीमेट $90,000 उसका जो मंथली चार्ज था, यानी कि उसका मेंटेनेंस चार्ज था, उनका जो घर था उन्होंने बनवाया था। एंड फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ कि आप सभी जानते हो कि लगभग 2008 में हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया था। एंड फ्रेंड्स उसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपको पता है कि अगर आपके पास डेप्थ हो तो आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। एंड फ्रेंड्स ड्यू टू हाई डेप्थ इन इलिक्विड एसेट, क्योंकि उनके पास इलिक्विड एसेट थे, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जो कि कैश के फॉर्म में, उनके पास प्रॉपर्टी थी और फार्म्स थे। फ्रेंड्स उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, पैसा नहीं दे पाए, तो उनको बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया और उनको बैंकक्रप्टसी फाइल करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स जब उनको 2008 में उनको जज के सामने ले गया गया, तो उनका स्टेटमेंट क्या था, दैट आई गारंटी हैव नो इनकम। तो फ्रेंड्स आप खुद देख सकते हो, एक हार्वर्ड ग्रेजुएट पर्सन था जिसको इतना ज़्यादा प्रेस किया था, तो वो कैसे गरीब रह गए। एंड फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, जो भी उनके सारे लग्जरी थे, जो भी उनके घर थे, वो सारे गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑक्शन कर दी, जो कि उनके वैल्यू से 75% लेस दाम में ऑक्शन कर दिए गए। एंड फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से रोनाल्ड लीड अमीर बन पाए और रिचर्ड फुस्कोन गरीब रह गए। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे यही आता है कि रोनाल्ड लीड के पास पेशेंट था, और रिचर्ड फुस्कोन क्या थे, ग्रीडी थे। एंड सेकंड क्या था कि उनके रिचर्ड रोनाल्ड लीड के पास इमोशनल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, सिंपल से कि एक तरह से बिहेवियरल फाइनेंस कह सकते हैं, यानी कि उनकी जो आदत थी वो उनके पास एक कॉम्पिटेटिव
एज था या फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज था जिसकी वजह से वो कंपाउंडिंग कर पाए और रिच बन पाए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमको दोनों वीडियो से सीखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इट्स ओनली पॉसिबल इन इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स आप कभी भी किसी कॉमन आदमी को नहीं देखोगे जिसने आपने ये सुना हो कि उसने सर्जरी करके किसी इंसान की जान बचा ली, क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग के अलावा किसी और फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है। एंड फ्रेंड्स ये हमारा एक एडवांटेज है कि हम इन्वेस्टिंग में हैं। एंड फ्रेंड्स इसलिए रोनाल्डो को भी आप देख चुके हो वो कॉमन आदमी कैसे रिच बन गया सिर्फ एक इस पॉइंट के बेसिस पे। एंड फ्रेंड्स सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो कहते हैं इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो फ्रेंड्स अगर हम रोनाल्ड लीड की बात करते हैं तो वो भी लर्निंग पे फोकस करते थे, इवन वो जेनेटर थे। एंड फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लर्निंग करने से क्या होता है, वहाँ पे आप सिंपल आप समझ सकते हो कि जब आप लर्न करने तो आप एक एडवांटेज डेवलप करते हो जो कि बाकी लोगों के पास नहीं होता, जिनके पास आपसे कम लर्निंग होती है। एंड फ्रेंड्स थर्ड हमारा जो पॉइंट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्या है दैट इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट बिहेवियर। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को सुनते हो या फिर देखते हो तो वो क्या कहता है दैट इन्वेस्टिंग इज मोर अबाउट आर्ट देन इट साइंस। तो फ्रेंड्स बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है और बिहेवियर नहीं तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो फ्रेंड्स हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने यहाँ पे लर्निंग लिखी है दैट इफ़ यू हैव नॉलेज बट लैक बिहेवियर यू विल एंड अप जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। तो फ्रेंड आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन अगर आपके पास बिहेवियर नहीं है कि आप पेशेंटली स्टॉक्स को आप होल्ड कर सकते हो तो आप सिर्फ बाइंग और सेलिंग करते रहोगे और आप गवर्नमेंट और ब्रोकर को सिर्फ आप टैक्स पे करते रहोगे। एंड फ्रेंड सेकंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है दैट इफ़ यू हैव गुड बिहेवियर बट लैक फाइनेंशियल फ्रीडम यू कैन एंड अप बिकमिंग रिच। तो फ्रेंड आप सेकंड स्टेटमेंट रोनाल्डो के बारे में समझ सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप रिच बन सकते हो और कंपाउंडिंग का आप बेटर आप फ़ायदा उठा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज ना हो फिर भी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो क्या है दैट बी फ्रूगल। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि रोनाल्डो के पास इतना सारा पैसा था फिर भी आज तक तो कोई समझ नहीं पाया था कि उनके पास इतना पैसा है, इवन कि बहुत लोगों ने उनको फ्री में खाना भी खिलाया था। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा अपने ईगो को कम रखना चाहिए और आपको जितना ज़्यादा हो पाए सेव करना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं आपके फिफ्थ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एंड फ्रेंड्स वो क्या है दैट कंपाउंडिंग इज अ मैटर ऑफ डिकेड। तो फ्रेंड्स आप इस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे एक दिया आप इसे समझ सकते हो द शॉर्टर योर टाइम हॉरिजन द मोर यू आर गैम्बलिंग। तो फ्रेंड्स अब ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आप जितना आप शॉर्ट प्ले कर रहे हो इन्वेस्टिंग में उतना आप गैम्बल करते जा रहे हो। एंड फ्रेंड्स आप अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी आप खुद ब खुद कम करते जा रहे हो अगर आप शॉर्ट प्ले कर रहे हो। एक बार अगर आपने अच्छी कंपनी जज कर ली या फिर मैनेजमेंट के बारे में अगर आपने जान लिया तो आपको इन्वेस्ट करके उस पर बैठे रहना है। एंड फ्रेंड्स हमारा एंड में ये बताना चाहेंगे दैट एनी कॉमन पर्सन कैन बिकम रिच विद साउंड बिहेवियर एंड कॉमन सेंस इन इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स अगर आप इन्वेस्टिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले आप अपने बिहेवियर पे आपको कंट्रोल सीखना चाहिए। एंड फ्रेंड्स इसलिए हमने आपको बुक भी रिकमेंड की है 5 जिसका लिंक हमने दे दिया आप जाके देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स अगर आपने अभी भी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है फ्रेंड्स तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप हमारे देश के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर आप स्टॉक्स में आप अपना अकाउंट आप खुलवा सकते हो। एंड फ्रेंड्स यहाँ से आप डिजिटल गोल्ड IPO म्यूचुअल फंड्स आप हर जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपका कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं लग रहा जो कि पहले लगता था। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ओपनिंग आपका चार्जेस अब 0 है। तो फ्रेंड्स हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपको मेंटेनेंस भी देनी होती है साल के 300 रुपये जो कि आपको हर अच्छे ब्रोकर में देनी होगी। एंड फ्रेंड्स अगर आप ब्रोकर में जा रहे हो तो आप सिर्फ अच्छे ब्रोकर के साथ जाएं, आपको रिस्क ना लें। एंड फ्रेंड्स इफ यू थिंक दैट अवर वीडियो इज हेल्पफुल एंड इट एडेड वैल्यू टू योर लाइफ तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड के साथ जिनको आप सक्सेसफुल होता देखना चाहते हो। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम ग्रेट चैंपियंस, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर वैल्यू। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है दैट वी आर नॉट सेवी रजिस्टर्ड, प्लीज़ टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।